हाँ रौनक बोलिए। थैंक सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर रीजन सिस्टम देने के लिए हम लोग को। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर। आपका नोट्स रीजन सिस्टम हो गया बढ़िया है सर। पूरा स्पाइरल करवा के इसको अच्छे से रेडी कर लिए एग्जाम तक के लिए। ठीक है सर। और जो शुरू में आप कह रहे बर्ड्स आई व्यू 20 तक का वो सब किया पहले लगा लिया प्रैक्टिकल के। और सर ये जो आप बताए थे ना लास्ट मिनट रिवीजन से ये लास्ट मिनट रिवीजन की वजह से इसको यहीं पे लगा लिया ताकि पूछना नहीं पड़े कैसे क्या स्टडी पढ़ना नहीं पढ़ना सब मतलब शुरू में रहे मेरे पास। वेरी गुड। लर्न करने के लिए जो जो हमको लर्न करना है उसको हम सीक्वेंस यहाँ पे एक्सेप्ट किए थे उसको टिक करते जा रहा है जैसे जैसे मेरा हो जा रहा है और जो छूट जा रहा है उसको भी टिक करते जा रहा है बार बार। लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो एक सैंपल है खाली। हाँ सर सैंपल है सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर मेरा प्रॉब्लम क्या रहा है। टू बुक एंट्री सर आपको पूरा 12वीं करने के बाद सर मेरा दो चैप्टर बचा हुआ करना स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है सर। लेकिन सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी भी अच्छे से आ नहीं पा रहा है। जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है स्पेशली जो नया क्वेश्चन जो देखा हुआ नहीं है सर मेरा एक्चुअली जो टीचर भी है वो 2020 तक के लिए अपडेटेड है मार्च 2020 तक के लिए सर। उसके बाद हम ये निकाल के पूरा अलग से बना लिया है उसके बाद से अभी नवंबर 2021 तक के लिए। और इसमें हम सारा कुछ और सर इसमें ये मार्किंग भी लगा दिया है साइड में। सर इसमें जो मेरा क्वेश्चन वो देखा हुआ नहीं है क्लास में किया हुआ नहीं था आपके साथ तो हम पूछा कितना पड़ना सर। वो दो चीज़ हो रहा है सर या तो हम कहीं पे जाके फंस आ रहा है या तो बना ले रहे हैं सर वो रॉन्ग हो जा रहा है उसका आंसर सही नहीं आ रही था तो मेरे को आपका सोल्यूशन या जो प्रिंटेड सोल्यूशन है वो रेफर करना पड़ा बार बार। सर उससे ये शंका आ रही है कि अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा ऐसा अगर वहाँ पर भी रॉन्ग हुआ तो मार्क्स नहीं देगा। देखो ये सी फाइनल है, ये जो आपको मन में आ रहा है वो नॉर्मल है और आपको ये देखना चाहिए कि कितना परसेंट राइट हो रहा है एक क्वेश्चन का। अगर मान लो 10 स्टेप है तो 10 स्टेप में कितना स्टेप राइट हो रहा है और कहाँ पे जाके एरर हो रहा है और एरर भी किस तरह का हो रहा है, सिली मिस्टेक हो रहा है। ये आपको लोकेट करना पड़ेगा कि होता है ना कई बार एडिशन में रॉन्ग कर दिया, कई बार मतलब याद था लेकिन याद नहीं आया उस वक्त, ऐसा भी मिस्टेक होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक नया ही चीज़ मिला वो पहले से पता ही नहीं था, तो नया चीज़ मिला तो वो सीख लिया, नया चीज़ था तो सीख लिया। और सिली मिस्टेक होता है यदि याद था याद नहीं आया और याद था या फिर गलत कर दिया कैलकुलेशन एरर कर दिया, अगर वैसा होता है तो थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा और अपने माइंड को काम करके थोड़ा सा शांत करके। शांत कैसे करते हैं, डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा शांत करो। हाँ तो जब सिली मिस्टेक हो रहा है ज़्यादा तो बीच बीच में भी करो, तो माइंड जब शांत होगा ना तो अपने आप उसको बार बार ध्यान दिलाना पड़ेगा कि सिली मिस्टेक नहीं करना है तो वो अपने आप पकड़ने लगेगा। और वो कई बार होता है सिमिलर सम्स को दोबारा तिबारा करने से वो फ़ायदा होता है। तो अगर कोई सिमिलर सम मिले ना तो उसको छोड़ो नहीं, हो सकता है आपको सिमिलर सम मिलता होगा ना तो आप छोड़ देते होंगे कि ये तो सेम सम है हो जाएगा। हाँ तो सिमिलर सम को बहुत सारा सम्स है तो सिमिलर को भी एक बार करो तो उससे सिली मिस्टेक कम हो जाता है। सर वही बात है कि इतना ही सारा पॉइंट से सर सब जंबर हो जाता है सर। जैसे आपको अगर हम एक चीज़ दिखाए सर जैसे कि इंडेक्स है सर केस स्टडी का सर इसमें ना हम 2 स्टार मारा है एक लाल पेन से एक ब्लू पेन से। सर लाल पेन से लिखा है मस्ट सी और ब्लू पेन से इसलिए मारा था कि उस समय थ्योरी स्पेसिफिकली जो हमको आईसीए का लिखना पड़ेगा पर जैसा आप समझा रहे हैं जो हमको 1.5 दिन में काम आ रहा सर। अब हम क्या करते हैं कि रोज सुबह जब वो पढ़ने का मन नहीं करता तो हम ये सब छोड़ी को देखते रहते ताकि वो मसान को बैठ जाए। लेकिन सर फिर भी मतलब कहीं ना कहीं जाके ना मिस्टेक हो जाता है, कभी पॉइंट खुल जाता है कभी पॉइंट जंपल हो जाता है, उस तरह का सर इशू हो रहा है। तो सर इसमें इतना छोड़ी है ना सर मतलब बहुत स्पेशल आपका इसमें भी छोड़ी बहुत सारा सीवियर है, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा है तुम। ऐसा होता नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो अगर हो रहा है तो थोड़ा हड़बड़ा जा रहे हो, मतलब होता है ना जब
तो ज्यादा ही माथा में घुमा रहे हो कि मेरे को याद नहीं रहा तो क्या होगा, मेरे को याद नहीं रहा तो क्या होगा, ऐसे मत सोचो। थोड़ा ढंग से रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। मतलब जैसे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और फिर इस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो कि अब जब मन नहीं लग रहा तो हम कुछ भी वो पढ़ लेता है, ऐसे नहीं करो। स्विच हो रहा है माइंड, इधर उधर स्विच हो रहा है। अगर माइंड एक जगह रहेगा तो वो उसको रिकॉल भी कर पाएगा, वो उसको याद भी करेगा। मुझे लग रहा है माइंड आपका इधर उधर भाग रहा है, जब ये चीज पढ़ रहे तो उस चीज का याद आ रहा है, उस चीज पढ़ रहे तो इस चीज का याद आ रहा है। तो उस समय में ऐसा ज्यादा लगता है, आप जो बोल रहे हैं उसमें उस समय में लगता है कि जो पढ़ा हुआ वो फिर याद नहीं आ रहा। तो अगर आपका फोकस नहीं है पढ़ने पे, ध्यान नहीं है, माइंड में 10 चीज चला रहे हो आप, चाहे पढ़ाई रिलेटेड ही चला रहे हो, तो वो आपको जो आप पढ़ रहे हो वो याद नहीं रहेगा। आपको लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहा है, वो खाली बाहर ही बाहर है। सो अंदर जब तक नहीं जाएगा, वो वर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन नहीं बैठेगा, तो वो याद होगा ही नहीं। उस चीज के लिए वही है कि थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है और क्या, माइंड में छटपट आना नहीं है। अभी कॉस्टिंग चल रहा है तो बस कॉस्टिंग ही पढ़ना है, अभी जो चैप्टर चल रहा है उसी को पढ़ना है, उस चैप्टर के चक्कर में दूसरा चैप्टर पे नहीं जाना है। जब दूसरा चैप्टर में जाएंगे तो उधर ही जाके पढ़ेंगे, एक साथ बहुत सारा चीज माइंड में मत चलाइए। जिस समय हम जो चीज सोच रहे हैं या कर रहे हैं वही करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करो, खाना जब खा रहे तो खाना ही खाओ, 5 मिनट लगेगा, खाना खाओ। नहा रहे तब नहाओ ही और कुछ मत करो। अब नहाते समय अगर खाना का सोचोगे या पढ़ाई का सोचोगे तो क्या होगा, फिर पढ़ाई के समय माथा चलेगा कुछ और सोचे, सब्जेक्ट वन में जाओगे तो सब्जेक्ट टू सोचे, थ्योरी करोगे तो लगेगा प्रैक्टिकल सोचे, प्रैक्टिकल करोगे तो लगेगा थ्योरी सोचे। को माइंड को समझाना होगा, अभी थ्योरी माने थ्योरी, तो इसलिए वो उस चीज को फिर पकड़ेगा, नहीं तो माइंड आपका इधर उधर भाग रहा है। वो भागने के कारण कोई भी चीज माथा में जा नहीं रहा है, और जब नहीं जा रहा होता है तो जबरदस्ती उसको वो चीज नहीं दिखाओ, उस समय उसको बोलो रिलैक्स, थोड़ा ब्रेक लो, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, या फिर उसी सब्जेक्ट का कोई दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा रौनक तो हो जाएगा काम। पर एक्चुअली ऑनेस्टली बोल रहा सर, तो एसएमपी में मेरे को अच्छा नंबर लेके आना सर, कि सर इतना मेहनत दिया हुआ है आपका, हम लोग का सबका, सर हम चाहते नहीं कि इसमें 40 या वो 45 या सर 60 के नीचे तो क्या ही नंबर होगा। सब चीज याद रहेगा माइंड। अब देखो नंबर जो लाने का बेसिक क्राइटेरिया है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर नंबर नहीं आएगा। 2021 का देखा है सर, 50 नंबर बीजेपी से घुमा घुमा के। हाँ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना जरूरी है ना। हाँ सर, वो सबको करने के लिए होता है। आप अगर माइंड इधर उधर घुमाते रहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे सम्स। सम्स में भी क्या होता है, जब क्वेश्चन नंबर टू जब करोगे तो टू में ही माथा रखना पड़ेगा ना, तब वन के बारे में सोचोगे तो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। मेडिटेशन भी कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग करो थोड़ा। दूसरा चीज है, मेडिटेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। डीप ब्रीदिंग करते रहो थोड़ा थोड़ा देर में, और अपने माइंड को बार बार बोलो अभी हम जो कर रहे हैं वही सोचेगा, बार बार हम दूसरा चीज़ नहीं सोचेंगे। अगर कोई चैप्टर पढ़ो तो उसी चैप्टर के बारे में सोचो, उसी चैप्टर के बारे में माथा में घुमाओ। कोई क्वेश्चन करो तो उसी क्वेश्चन पे दिमाग रखो, ऐसा मत करो कि प्रीवियस चीज पे ध्यान जा रहा है बार बार। हाँ तुम वो एरियल व्यू नहीं बनाया ना, एरियल व्यू नहीं बनाया ना अभी तक। सर एक्चुअली फर्स्ट रिवीजन अभी आपके साथ साथ हुआ है, जो बाकी का वो कर रहा है उसके बाद उसमें घुसेगा सर एरियल। तो उससे तुम्हारा माथा एक्चुअली चालू है, उससे तुम्हारा माथा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार ट्राई ठीक है।
ठीक है सर, तो सर ये भी तो आपको सही है ना, ये मतलब कवरेज पूरा हो जाएगा आईसीए मैट का। तो क्या, जैसे कोई टॉपिक बताओ। जैसे डीएमए में क्वेश्चन है, व्हाई डीएमए इज गेनिंग इंपॉर्टेंस अमंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो है ना हमारे यहाँ पे, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएमए बोल के दिया हुआ है ना। रीजन फॉर कंट्रोलिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस तो सर ऐसा डायरेक्ट तो नहीं है सर, शायद हम नहीं देख पा रहा हूँ। एडवांटेजेस सर, हाँ एडवांटेजेस ही है, पॉइंट्स मैच करेगा आप देखना, पॉइंट्स मैच हो जाएगा, जो वो पॉइंट्स है वहां पे वही पॉइंट्स वहां पे। इन पॉइंट का आईसीए मैट बोल्ड करके तो उसी को लिख दिया, हम बोल रहे वो पॉइंट सेवियर में होगा, आप देखोगे ठीक से मिल जाएगा। अच्छा, जबरदस्ती मत लिखने जाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से सारा कवर्ड ही है, अगर बहुत रेयर चांस है कि छूट गया होगा। जो पॉइंट्स आप खोज रहे हो वो पॉइंट भी मिलना चाहिए। रीजंस फॉर कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट कॉस्ट, हाँ सर, जैसे मैं आपने दिखाया था आप लोगों को पेन से गुडविल ह्यूज कॉस्ट रेगुलेशंस, हाँ तो वो तो है ही, बुक में छपा हुआ ही है। सर मैं भी, मेरे को कुछ डिफरेंट लगा वैसे उसको लिख दिया। हाँ सर, हम पर ध्यान देके लिख रहा हूँ, पापा से जो नहीं है उसी को ध्यान देगा। सर एक चीज और पूछना था सर, जैसे बहुत बार जैसे आईसीए का मैथ में कोई टॉपिक को लेके 15 क्वेश्चन है डीजीपी में या फिर टाइमलिस्ट में, तो वो लोग क्या करता है ना, हर पर डेफिनेशन अलग अलग कर देता है, जैसे टीक्यूएम हो गया, टीपीएम हो गया। अब सर मेरा तो एक मतलब डेफिनेशन माथा में सेट है, अब वो पढ़ता है वापस आ रहा है कि अरे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको याद कर। सर ऐसा कर सकते हैं बेची जगह हम कॉमन रखे अपना डेफिनेशन को जो मिलता जुलता हो आईसीए से, कर सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेशन लिखना है ये चीज ध्यान रखना है। यस सर, आपका आवाज कट गया सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन अपना हिसाब से भी लिख सकता है, बट डेफिनेशन लिखना है ये ध्यान रखना है। हाँ सर, मतलब वही सर, सर ऐसा थोड़ी ना कि आईसीए का पूरा वो होना चाहिए लैंग्वेज, बस तो उसका लैंग्वेज, हाँ कीवर्ड्स आ जाना चाहिए बस। सर एक चीज और सर, जैसे रेलेवेंट कॉस्ट में ना वो जो रहता है नॉन एथिकल कंसीडरेशन, हाँ सर उसमें आप आपका डीजीपी ने सर एक पैरा में से फीचर लाइन को होल्ड किया हुआ है स्पेसिफिकली ताकि हम लोग ध्यान पड़े उस पे, जैसे पब्लिक इमेज हो गया, लॉन्ग टर्म इमेज हो गया, सर अगर आप उसको याद करके अपने से बना रहे अंदर में तब तो कोई इशू नहीं है ना एग्जाम में, नहीं वही करना है ना सर। सर ऐसे तो बहुत सारा मतलब पॉइंट्स दिया हुआ उस पे, अलग 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 क्वेश्चन, करेक्ट 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 सर। दोस्तों मेरा डाउट भी था, तुम्हारा टाइम लेकिन पूरा हो गया आज का। अच्छा सर, तो नेक्स्ट मीटिंग बुक करना पड़ेगा। यस, फिर मिलेंगे सर। एक चीज का बोल देंगे सर, एक चीज का भी एक मिनट लगेगा सर, बोलो सर। जो एसएससी में टेस्ट है सीए फाइनल एसएससी का पेड टेस्ट 500 रुपीज वाला सर, वो अगर हमको देना है तो हम मतलब उसको अपने तरीके से दे सकते हैं क्या? दे सकता है सर, वो मतलब एज पर आईसीए ही होगा इसका जो पेपर पेपर होगा उसका। यस यस ठीक है सर, तो हम वो देने का प्लान कर रहे हैं, तो हम सर वो देगा टेस्ट आराम से, दो बढ़िया होगा, बट एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन करके फिर देना। हाँ सर, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के देगा। हाँ सर, नवंबर के मिड में देगा सर, पढ़ के अच्छे से। चलो बढ़िया है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।